हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है। पिछले एक महीने से लगातार एग्जाम हो रहा है। स्कूल का फाइनल होने के बाद यूजी के लगभग पीजी के लगभग कोर्सेज का हो चुका है, कुछ कोर्सेज बचा हुआ है और यूजी का भी हो गया। इसी बीच दुखद खबर आ रही है यूपी से, बिहार से एंड बंगाल से। जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा जो लाया गया, इसके बाद छात्र नाराज होकर जो प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ हुआ, गाड़ियों को जलाया गया, इस वजह से बिहार में और यूपी से जो ट्रेनें गुजर रही थी, उन तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया। बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई। कल पॉल साइंस का पेपर था और बीबीए बीकॉम का पेपर था, उसी बीच बहुत सारे लोगों का कॉल्स आए, मैसेजेस आए, उनका ट्रेन कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए। सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस दुर्घटना के लिए कहूँ या फिर इस एक्सीडेंट की वजह से आपका ट्रेन कैंसिल हो गया और समय पर आप एग्जाम हॉल पहुंच नहीं पाए। दूसरी तरफ दुखद खबर यह भी है, जो इन तमाम मामलों को देखते हुए भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया आने वाले एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 6 क्लास का जो एग्जाम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है। यानी एक तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जामिया की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं आया, फिर सामने नहीं आया, जिससे ये पता चले कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर जो एग्जाम अभी होने वाला है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में से या फिर जामिया के फैकल्टीज में से कोई भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अगर पॉसिबल हो तो अपकमिंग एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं ट्रेन कैंसिल होने की वजह से। उनका जो सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, फिर जामिया का पार्ट बनने का, तो कहीं ना कहीं वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर पॉसिबल है तो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। और स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बार हाँ मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन से। हालांकि अभी तक ट्वीट भी किया गया है, कई लोगों ने ट्वीट किया इसके खिलाफ और जामिया में कई टीचर से भी बात हुई, लेकिन सब यही कह रहे हैं अभी तक ऑफिशियली कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जैसे ऑफिशियल कुछ भी पता चलेगा एग्जाम पोस्टपोन होने का, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इंतजार ही कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, बाय बस अगर आ सकते हैं तो आप पहुंच जाइए, या फिर बाय प्लेन अगर आपकी क्षमता में है, क्योंकि प्लेन का जो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं आप में से कर सकते हैं, तो बाय प्लेन आप लोग दिल्ली आ सकते हैं, अपना एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। बाकी जिसका एग्जाम छूट गया है या फिर कल होने वाला है, परसों एग्जाम होने वाला है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस बुरा लग रहा है सुनकर, आपके कमेंट्स पढ़कर, यार आपका जो सपना है जामिया का पार्ट बनने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जामिया को स्टैंड ले और आपके लिए भला सोचे। थैंक यू सो मच।